नहीं। लगता है बहुत अहम मसला है भाई। अहम तो है, कमाली साहब उदास भी हैं और खुश भी। इनकी हेल्प कर दो, थोड़ी सी दुआएं देंगे तुम्हें। नमाजें तो कभी पढ़ी नहीं, मुझे क्या दुआएं देंगे। वैसे इश्क भी तो इबादत है पर। आपकी रूहानियत के तो हम कायल हैं। खैर बताओ भाई, क्या मसला है कमाली? फिर मुझे अरसम साहब के यहाँ भी जाना है, पता है वो कितने बीमार हैं। अरसम के घर क्या हो गया? कुछ दिन पहले तक तो बिल्कुल ठीक थे। मुसीबत आते तो भी टाइम लगता है। मुझे तो लगता है तुम्हें ना नजर लगी है, कितने अच्छे लग रहे थे ना वो शेजीन के फंक्शन पे। अच्छा दोस्तों, तुम लोग आपस में बातें करो, मेरी तो यहाँ कोई सुनेगा नहीं। इंतहाई सेल्फिश इंसान हो तुम, बस अपने ही मसला डिस्कस करना है। बताओ क्या मसला है। मैं बताता हूँ, वो जो आरजू जी है ना, उनकी सालगिरह आने वाली है और उन्होंने अपनी मुबारक जुबान से छोटा सा तोहफा मांगा है। गोल्ड की चूड़ियां। क्या गोल्ड की चूड़ियां? उसका दिमाग तो ठीक है। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, बस इन्होंने बताया है कि इनके वालिद साहब जो है ना दुबई में बहुत ही अमीर हैं और पैसे बनाने की मशीन बने हुए हैं और इनके घर में पैसे की रेल पेल है, नवाब साहब है हमारे। अच्छा तो फिर क्या मसला है, जाओ जाके चूड़ियां ले आओ, हमसे क्या चाहते हो भाई। मशवरा। आई नीड अ पीस ऑफ एडवाइस। दे सकती हूँ एडवाइस? चाहिए मशवरा? हमारे एक काम करो, मार्केट जाओ, मार्केट से ना 4-5 हज़ार रुपए की चूड़ियां मिल जाएंगी, बिल्कुल गोल्ड की तरह लगेंगी। और यार मैं वैसे ही तुम्हें बता रही हूँ, जो आरजू जी है ना, इनकी 7 नस्लों ने भी ना असली गोल्ड की चूड़ियां नहीं देखी होंगी, ना उन्हें कोई पहचान होगी। जाओ जाके मार्केट से ले आओ सस्ती वाली और दे दो उनको। परी, हाउ कैन यू डू दिस? क्या परी? हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं बच्ची हूँ या बेवकूफ हूँ? मुझे नहीं पता वो किस किस्म के इलाके में रहती है और कितनी नदीदी और लालची किस्म की है। परी गलत बात कर रही हो तुम, ऐसी कोई बात नहीं है। आरजू जी के तीसरे डैडी जो थे। मेरा मतलब जो आंटी हैं, आंटी के जो तीसरे शौहर थे वो भी तो गोल्ड का काम करते थे ना। ही वाज अ गोल्डस्मिथ ज्वेलर, तो सोने की उनको बहुत अच्छी पहचान है। तीसरे वाले लड़की इस मामले में बहुत खुशनसीब है। वैसे बेसिकली आरजू जी की जो वालदा है वो बहुत ही बदनसीब और दुखी खातून है। शी हैज बीन थ्रू सो मच यू नो। आई एम सॉरी गाइस, लेकिन मैं तुम लोगों को ज्यादा डिटेल्स नहीं बता सकता क्योंकि प्राइवेसी का मैटर है ना। नहीं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। फोकस फोकस करना पड़ेगा चूड़ियों पे। मैं चूड़ियां कहां से लेके आऊं, सोने की चूड़ियां? परी प्लीज हेल्प मी। मैंने तो बाबर भाई को भी कहा था, बाबर भाई मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं इनका उधार चुका दूंगा, थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। लेकिन बाबर भाई किस किस्म की बातें करने लग गया यार ये कमाली, कोई तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बाबर कमाली है जो आपके सामने बैठे हैं ना, बाबर भाई ये खुद बेरोजगार है, इनसे क्या पैसे मांग रहे हो। वैसे तुम एक काम कर सकते हो, तुम कोई बहाना बना लो और उसकी बर्थडे पे जाओ ही नहीं। नहीं मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ यार, वो माइंड कर जाएंगे।